मैं बनने के बाद जो मेरे को तनख्वाह मिलेगी ना उस तनख्वाह से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, उस तनख्वाह से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। मेरे को तनख्वाह मिलेगी उसमें से हम स्मार्टफोन खरीदेंगे, स्मार्टफोन खरीदेंगे और हर महीने एक पंचायत में, दूसरे महीने दूसरी पंचायत में, तीसरे महीने तीसरी पंचायत में, चौथे महीने चौथी पंचायत में, वो बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे क्योंकि उनकी एजुकेशन में काम आएंगे। तनख्वाह में से 1 रुपया भी नहीं लूंगा क्योंकि जितना मेरे को चाहिए उतना ना भगवान ने मेरे को दे रखा है। मेरा अपना कारोबार है, ये तो सिर्फ सेवा के लिए मैं MLA बन रहा हूँ। अरुण शर्मा, एक्स प्रेजिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी लखनपुर। मैं जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट कठुआ की मानपुर पंचायत से बोल रहा हूँ। यहाँ मेरे को फोन आया था मोहनलाल शर्मा जी का, इनका फोन आया था, इनके बेटे ने 10th में 97% नंबर लिए थे मैट्रिक में, 97% नंबर, और 12th में 91% नंबर। और मेरा अपना सिस्टम है, जब इलाके का कोई बच्चा टॉप करता है तो मैं बड़ा खुश होता हूं। और मैंने पूरे इलाके में बोल रखा है अगर कोई बच्चा टॉप करता है मैं उसकी हेल्प करूंगा, और मैं हेल्प करता हूँ, पूरे इलाके में घूमता हूँ उसकी हेल्प करता हूँ। मैंने इस बच्चे से पूछा था फोन पे, मैंने पूछा था बेटा आप आगे क्या करने वाले हो, ये बोल रहे थे एक लैपटॉप की जरूरत है मेरे को आगे पढ़ाई करने के लिए, ये मैं लैपटॉप ले आया हूँ इस बच्चे के लिए, लैपटॉप अपनी जेब से अपने पास से लैपटॉप ले आया हूँ, मैं इनको ये लैपटॉप दे देता हूँ। इस बच्चे का नाम है शिवांश शर्मा, इसके पिताजी का नाम है मोहनलाल शर्मा, ये मानपुर में रहते हैं, ये लैपटॉप ले ले अपनी पढ़ाई करे और बड़ा अफसर बने, मानपुर का नाम रोशन करे, पूरे इलाके डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे। जब डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन होगा, मानपुर का नाम रोशन होगा, तो मेरा तो ऑटोमेटिकली नाम रोशन हो जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले सामने खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूँ बस थोड़े दिन रह गए, MLA बन जाऊंगा 4-5 महीने के बाद, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मैं MLA यहाँ से 100% बनने वाला हूँ, और मैं 100% ईमानदार और मेहनती आदमी हूँ। मैं अपनी कमाई से, मेरा अपना कारोबार है, मैं ट्रांसपोर्टर है, मेरे ट्रक और ट्राले हैं, मैं अपनी कमाई से 75% इस पैसे निकालता हूँ और समाज सेवा में लगाता हूँ, बच्चों की सपोर्ट में लगाता हूँ और समाज सेवा करता हूँ। राजनेता राजनीति करते हैं, मैं सेवा नीति करता हूँ, मैं सपोर्ट नीति करता हूँ, इसलिए मेरे MLA बनने के बाद मैंने बोल रखा है पूरे इलाके के लोगों को, और आज मैं मीडिया के माध्यम से, मीडिया वाले मेरी बात रिकॉर्ड करके रख ले, लोग यहाँ के रिकॉर्ड करके रख ले, मैं MLA बनने के बाद जो मेरे को तनख्वाह मिलेगी ना उस तनख्वाह से 1 रुपया भी नहीं लूंगा, उस तनख्वाह से 1 रुपया भी नहीं लूंगा। जो मेरे को तनख्वाह मिलेगी उसमें से हम स्मार्टफोन खरीदेंगे और हर महीने एक पंचायत में, दूसरे महीने दूसरी पंचायत में, तीसरे महीने तीसरी पंचायत में, चौथे महीने चौथी पंचायत में, वो बच्चों को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे क्योंकि उनकी एजुकेशन में काम आएंगे। और पूरी तनख्वाह में से 1 रुपया भी नहीं लूंगा क्योंकि जितना मेरे को चाहिए उतना ना भगवान ने मेरे को दे रखा है। मेरा अपना कारोबार है, ये तो सिर्फ सेवा के लिए मैं MLA बन रहा हूँ। अपनी तनख्वाह से टोटल पूरे इलाके में स्मार्टफोन, और जो बच्चा टॉप करेगा उसको लैपटॉप दिए जाएंगे। जय बाबा।